हेलो फ्रेंड्स, आज 9 अक्टूबर 2016 है, 9th अक्टूबर 2016। और पिछले कुछ वर्षों के दौरान परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्टों के शीर्षक देकर ये पूछने की प्रवृत्ति बढ़ी है कि अमुक शीर्षक वाली रिपोर्ट को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जारी करती है। द रिपोर्ट हैविंग द सेट टाइटल इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो इसलिए हमारा ये आज का एडिटोरियल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये एडिटोरियल द हिंदू से मैंने लिया है, जो कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट पर केंद्रित है। यूनिसेफ की इस रिपोर्ट का शीर्षक है अपरूटेड द ग्रोइंग क्राइसिस फॉर रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट चिल्ड्रन। जड़ों से उखाड़े गए शरणार्थी एवं प्रवासी बच्चों का बढ़ता संकट। तो दोस्तों, यूनिसेफ ने हाल ही में इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। आइए इस एडिटोरियल पर दृष्टिपात करते हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान विश्व भर में जिन 50 मिलियन बच्चों को अपने मूल देशों अर्थात जन्म स्थानों की सीमाएं पार करके अन्य देशों में मजबूरन प्रवास करना पड़ा है, उनमें से लगभग आधी संख्या अर्थात 25 मिलियन बच्चों के शरणार्थी बनने का कारण हिंसा से बचते बचाते भागना, यही मुख्य कारण रहा है। ऐसे प्रत्येक 3 बच्चे जो अपने देश में निवास न करके दूसरे देशों में रह रहे हैं, ऐसे प्रत्येक 3 में से 1 बच्चा हिंसा के कारण मजबूरन शरणार्थी बना है। वयस्कों में, बालिग लोगों में यह अनुपात कम है। वयस्कों के विस्थापन का अनुपात प्रत्येक 20 वयस्कों में से 1 वयस्क का है। इन तथ्यों को संयुक्त राष्ट्र के हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, शॉर्ट में कहेंगे UNHCR, हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी मामलों के उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी मामलों के उच्चायुक्त महोदय ने ये सभी तथ्य बतलाए हैं। उन्होंने बताया कि 2005 से 2015 के दशक के दौरान बाल शरणार्थियों की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। सीरिया तथा अफगानिस्तान के मानव समाजों पर गृह युद्ध जैसे हालातों का इतना अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है कि समाज के सबसे संवेदनशील भाग अर्थात बालकों पर कठोरतम दुष्प्रभाव देखे गए हैं। विश्व के बाल शरणार्थियों में से संख्या में आधे यानी 50% बाल शरणार्थी इन्हीं 2 देशों सीरिया तथा अफगानिस्तान से विस्थापित हैं। पिछले दशक में बालकों एवं किशोरों को जबरन सेनाओं में या विद्रोही लड़ाकू दस्तों में भर्ती किए जाने के विरोध में 2007 तथा 2012 2007 एंड 2012 में वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों के निर्णय आए थे। दोस्तों, ये दोनों में से निर्णय किस किस प्रकार के आए ध्यान देते हैं। सियरा लियोन के मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा समर्थित ट्राइब्यूनल न्यायाधिकरण का गठन हुआ था। 2007 में इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का निर्णय वहां के विद्रोही गुट में 3 किशोरों को जबरन भर्ती किए जाने के खिलाफ सुनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा 2012 में कांगो देश के सेनापति थॉमस ल्युबांगा पर लगभग ऐसे ही मामलों में आरोप निर्धारित किए गए। इस पृष्ठभूमि का एक दूसरा चित्र भी विद्यमान है। इसी पृष्ठभूमि में एक दूसरा चित्र भी उभरा है। इसमें दोस्तों 2 बिंदु हैं, ध्यान से देखिए। ग्लोबल यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन ड्राइव, विश्व स्तरीय सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा अभियान। इस अभियान के तहत विद्यालयों में, स्कूलों में नामांकन अर्थात एनरोलमेंट की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि दर्शाई गई है। ये पहला कॉन्ट्राडिक्शन है, ये एक विरोधाभास है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि मजबूरन करोड़ों और लाखों की संख्या में, बहुत बड़ी संख्याओं में बच्चों को शरणार्थी बनना पड़ा है, और दूसरा हम वैश्विक स्तर पर सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा अभियान में अच्छी खासी संख्या में एनरोलमेंट की, नामांकन की संख्या में बढ़ोतरी भी दर्शा रहे हैं।
दोस्तों दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन है, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के तहत शिशु मृत्यु दर का आधा हो जाना, ये भी दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन है। इन दोनों वैश्विक उपलब्धियों को विश्व स्तर पर झटका दिया है कुछ समस्याओं ने। ये समस्याएं दोस्तों तीन समस्याएं हैं, किशोरों तथा किशोरियों की कबूतरबाजी अर्थात ट्रैफिकिंग, दूसरे शब्दों में किशोरों तथा किशोरियों को गैर कानूनी रूप से सीमा पार कराने की समस्या। दूसरी समस्या है विश्व के संघर्षरत क्षेत्रों में लड़ाकू टुकड़ियों में किशोरों तथा किशोरियों की जबरन भर्ती करना। दोस्तों तीसरी समस्या है यौन व्यापार के रूप में किशोरियों तथा किशोरों का शोषण। इन तीनों समस्याओं से अगली कुछ पीढ़ियों में तात्कालिक तथा लंबे समय तक चलने वाली समस्याएं और संकट उत्पन्न हो सकते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट इतना अधिक विरोधाभास और विडंबना को प्रदर्शित करती है कि विश्व भर की सरकारों की नीतियों तथा कार्यक्रमों में यदि द्रुतगामी तथा आमूलचूल परिवर्तन शीघ्र नहीं आए तो यथार्थवादी सुधार परिणामों का प्राप्त होना दूर की कौड़ी होगा। दोस्तों इस स्थिति में सुझाव देने के संबंध में द हिंदू लिखता है, द हिंदू ने इस संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव है दोस्तों कि विश्व भर की जो सरकारें हैं अभी शरणार्थी बच्चों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने के लिए उनका ध्यान जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए दुर्लभ हो उठी वस्तुएं तथा सेवाएं उन बच्चों को प्राप्त कराए जाने पर ज़्यादा हैं। अभी विश्व भर की सरकारें ये सोचती हैं, ऐसा कर रही हैं कि जो बच्चे शरणार्थी होने के लिए उन देशों में प्रार्थना कर रहे हैं, यानी कि उन देशों से चाहते हैं, उन देशों की सरकारों से चाहते हैं कि उनको शरणार्थी के रूप में शरण दे दी जाए, तो ऐसे बच्चों को उन देशों की सरकारें जो हैं जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दुर्लभ वस्तुएं और दुर्लभ सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। तो ये तात्कालिक रूप से तो ठीक भले ही हो, परंतु फिर भी सभी सरकारों को संघर्ष, हिंसा, अत्यधिक गरीबी, इनके मूल कारणों पर प्रहार करने होंगे। दूसरा बिंदु है दोस्तों, दूसरा सुझाव है कि देशों के बीच की जो आपसी राजनीतिक मजबूरियां होती हैं या दो देशों के बीच की जो कूटनीतिक राजनीतिक मजबूरियां होती हैं उनको इन बच्चों के आड़े नहीं आने देना चाहिए। अर्थात ये जो बच्चे हैं जो शरण मांग रहे हैं, शरणार्थी बने हुए हैं मजबूरन, दो देशों के बीच की आपसी जो खींचतान होती है उसका शिकार इन बच्चों को नहीं बनने देना चाहिए। दोस्तों कुछ स्थानों पर ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि पंजीकरण तथा सरकारी अभिलेखों में इन शरणार्थी बच्चों का नाम दर्ज करने से बचने के लिए शरणार्थी होने वाले बच्चों या शरण मांग रहे बच्चों को गिरफ्तार या नज़रबंद करने की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं। ये जो परिस्थिति के मारे बच्चे हैं इनके प्रति ये बहुत बड़ी दृष्टता और अन्याय है। प्रथम दृष्टया उम्मीद यही है कि सरकारें इस विषय में अधिक सहानुभूतिपूर्वक तथा मानवता के आधार पर अपने आदेश पारित करें। दोस्तों ये डिस्कशन तो समाप्त हो गया है, अब मैं आपके साथ वोकैबुलरी डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहला वर्ड लेंगे हम कॉन्स्क्रिप्शन, CONSCRIPTION, कॉन्स्क्रिप्शन अर्थात सेना में जबरन भर्ती किया जाना। अगला वर्ड लीजिए पैराडॉक्सिकली, विरोधाभासी ढंग से, PARADOXICALLY, पैराडॉक्सिकली विरोधाभासी ढंग से। अगला वर्ड लीजिए वार लॉर्ड, WARLORD अर्थात सेनापति। अगला वर्ड लीजिए प्रोटेंडिंग, PROTENDING अर्थात पूर्वाभास या पूर्व सूचना। दोस्तों अगला वर्ड लीजिए कॉन्गोलीज, CONGOLEASE कॉन्गोलीज अर्थात कोंगो निवासी। अगला वर्ड लीजिए टेंजिबल, TANGIBLE अर्थात यथार्थ, वास्तविक या स्पर्श योग्य। अगला वर्ड लीजिए स्वीपिंग, SWEEPING अर्थात आमूलचूल परिवर्तन। अगला वर्ड लीजिए दोस्तों शॉर्ट ऑफ स्विफ्ट, ये एक इडियम है, शॉर्ट ऑफ स्विफ्ट अर्थात द्रुतगामी कार्य के बिना।
अगला वर्ड लीजिए स्कैर्स, SCARCE, स्कैर्स माने दुर्लभ। अगला वर्ड लीजिए रियल पॉलिटिक, RELPOLITIK, रियल पॉलिटिक, व्यवहारिक राजनीति। इम्पीड, IMPEDE, इसका अर्थ है अड़चन डालना। अगला वर्ड लीजिए डिलिनिएशन, DELINEATION, डिलिनिएशन अर्थात रूपरेखा। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट ANTECEDENT, पूर्ववर्ती। अगला वर्ड लीजिए डिस्पेंस, DISPENCE, डिस्पेंस अर्थात इलाज करना। कन्वर्सली, CONVERSELY, कन्वर्सली इसके विपरीत, ठीक है इसके विपरीत कन्वर्सली। अगला वर्ड लीजिए डिटेंशन, डिटेंशन निरोध। अगला वर्ड लीजिए डू अवे विद अर्थात समाप्त करना। अगला वर्ड लीजिए प्रैग्मेटिक, PRAGMATIC, दुष्टतापूर्ण या धृष्टतापूर्ण। अगला वर्ड लीजिए इम्पेरेटिव्स, इम्पेरेटिव्स का अर्थ है आज्ञाएं। अगला वर्ड लीजिए प्राइमा फेसी अर्थात प्रथम दृष्टया। दोस्तों ये डिस्कशन हमारा विद वोकैबुलरी समाप्त हो गया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का लाभ ये होता है कि आपको ऑटोमेटिकली मेरी सभी नई वीडियोज के जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तुरंत उसके लिंक आपके ईमेल आईडी के इनबॉक्स में पहुंच जाते हैं। और यदि आप यूट्यूब चैनल को प्रतिदिन नहीं भी देख पाते तो एक विशेष दिन अपनी ईमेल आईडी का इनबॉक्स खोल के सभी वीडियोज के जो लिंक वहां पर उपस्थित होंगे उन पर क्लिक करके सभी वीडियोज को देख पाएंगे, आपकी कोई वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों इस वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्ञान को बड़े स्तर पर फैलाया जा सके। दोस्तों इसके अलावा इस वीडियो पर कमेंट करके अपने डाउट्स पूछिए और मैं आपके प्रत्येक कमेंट का, प्रत्येक डाउट का जवाब देता हूँ। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके लिंक को, वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जो आपके अकाउंट्स हैं उन पर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों इस पर कमेंट करके अपने डाउट्स पूछिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।